नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामलकोमलाय किरीटहारांगदभूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय रहकते कटजाति हृदय से कलि कलमस संताप सभी दीतम कारण आवन हयमे पाप विकार विचार सभी रवि मयंक महिमा मय करके देखो जाप सभी सब मंत्रों का बीज मंत्र है लगे नहीं समय पाप कभी बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले धनुर्वा धाम की जय। आज के पावन लिंग पर विराजमान समस्त विद्वजन पंडित जन और हमार पटेल में विराजमान हमारे आदरणीय पटेल सर जी आदरणीय डॉक्टर साहब सर जी और घनघोर जंगल में रहिए हमारे भैया साहू जी हरा डोला वाले आप सब की हृदय कमल मा किरण कमल मा बारम्बार हृदय कमल से प्रणाम है। और संगे संग जितका भी हमार राम कथा के भी ये पावन लिंग में जुड़े हैं आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हमार बहनी अस्टूरिया वर्मा जी बहुत पावन कथा सुनावत रही से और एक बाद में हमार परम पूज्य गुरुदेव दीवान महाराज जी कथा सुने तो आप सबके चरण कमल बारम्बार प्रणाम है। आवन बहुत ही सुगर समय है कहे गे सोना भी सुहागा अगर सत्संग हो और कार्तिक की महिमा हो तो क्या कहना। आपके बीच में हम लंका कांड से रावण अंगद संवाद सुनाने की प्रयास करते हैं। उकर पहले थोड़ा से एक मिनट के लिए जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पद्म पुराण में जो कार्तिक की महिमा है तो कार्तिक की महिमा में ये कहे गए है कि महीना में कार्तिक से कोई महीना नहीं है वेद से कोई शास्त्र नहीं है गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है सत्य के समान कोई सदाचार नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है रचना के समान तृप्ति की कोई साधन नहीं है दान के समान कोई सुख नहीं है और धर्म के समान कोई पित्र नहीं है नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है जल के समान कोई दान नहीं है और खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है सत्य से बढ़कर कोई यश नहीं है और आरोग्यता से बढ़कर के कोई उन्नति नहीं है और राम से बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है। संत मन के हावे
देवन में श्री राम बड़े और वीरन में हनुमान, तो तीर्थ में अयोध्या बड़े जहाँ भगवान रहे अवतार। तो ऐसे पावन भगवान श्री राम की दिव्य कथा आपला मैं सुनाया बजा सजनो, मुरवानी में अति क्षमता नहीं है कि आपला भगवान की पावन कथा सुना सकूं, लेकिन एक प्रयास रही पावन अंगद रावण के पावन संवाद और मानस में दो संवाद बड़ा चर्चित संवाद है। एक तो है लक्ष्मण परशुराम जी की संवाद और दूसरा अंगद रावण की संवाद। तो भगवान श्री राम रावण ला युद्ध करे के पहले एक बार और मौका देते समझाया कि भगवान प्रयास करते, और मैं देखता हूं कि व्यवस्था आज भी हमारे समाज में है। जब भी कोई कोर्ट में केस चलते कोई मुजरिम गुनाहगार होते तो एक बार बिल्कुल ला जज साहब भी मौका देते कि एक बार भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। वो इसलिए ढंग के भगवान श्री राम भी रावण लेकर और मौका दे के अभी समझ जाए। और सज्जनों समझाना ये बड़ा ही मुश्किल कार्य है। आज की दुनिया में हम कहते हैं ना, लोग दुनिया समझाते लेकिन कुछ समझे नहीं, ये बड़ा मुश्किल बात है। तो बड़ा पावन प्रसंग है, लंका कांड से गोस्वामी जी महाराज लिखते कि सत्य नगर कपि जारिउ बिन प्रभु आय सुपाई, अब फिर न गयो सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई। तो ये पावन प्रसंग में चर्चा करबो। और ये पावन संवाद रावण और अंगद के बीच होता है। यही संवाद रहा राजा रावण अंगद रखे थे कि अंगद ते ये तो बता कि तोर दल में हमारे से लड़ने वाला कौन कौन योद्धा है, वो योद्धा के आप नाम बता। तो कुछ चर्चा जो राधे श्याम रामायण में कविवर महोदय जी लिखे हवे कि ऐसे कौन कौन योद्धा है जो रावण से लड़ाई कर सके। तो रावण कहते अरे अंगद वानर सब मूली गाजर है और सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, और जिस जाम वंत पर फूले तुम और सीखे जिस जाम वंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। अरे जामवंत जो है वो तो चौथापन में आ गए, बूढ़ा हो गया है। और नल और नील बोली वो कैसे है, तो नल और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना वह है भक्त विभीषण भक्त निरा क्या जाने वह खड़क ठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूं तोड़ कर तीली को धोखे से पक्षी चला गया। तो ऐसे रावण जो है जब हनुमान की पढ़ाई करते तो अंगद महाराज बोलते, अंगद बोले है फिर कहिए यह क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। तो आज वही प्रसंग में सज्जनों हम लोग चर्चा करने हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते कि अंगद जो है रावण के पास थे, हे राजन हे रावण बिल्कुल सत्य सत्य बात आप कहना, काबर के एक छोटे से वानर जो भगवान के सेवा में है कूद है वो आपके लंका ला सचमुच जला डाले। तो क्या अंगद महाराज जो है रावण के दरबार में झूठ बोलते, विचार करना है। सब योद्धा के सामने में आज रावण अंगद की हंसी उड़ाता है लेकिन हनुमान के गुणगान का भय कपि एक महाबलशी आवा प्रथम नगर जही जा रही मुर नगर में आई और मुर नगर जला करके अशोक वाटिका उजाकर चले। तो अंगद महाराज ये बात सुन करके रावण लग रहे थे सत्य वचन कह निश्चर नाहा साचे किस किन पुरगा, रावण नगर अल्प कपि दहाई सुनिया सब वचन सत्य कपि। अगर कोई कह दे कि मंडलिक मणि रावण जेकर सोने सोने के लंका है, वो सोने के लंका छोटे से वानर जो है जला करके चलेंगे, ये बात लग कौन पत्ते है, ये बिल्कुल असत्य है। और हनुमान जी जब लंका जलाए के बाद में
समुद्र के तट में जब आते तो जहां मत आदि सब साथी के साथ में अंगजी भी साथ में रहते, तो सीधा सब के सब जो है सुग्रीव के पास जाते और सुग्रीव के साथ में भगवान श्री राम के पास जाते। मगर मार्ग में कहीं भी हनुमान जी लुकाए नहीं, छिपे नहीं। लेकिन यहाँ पर अंगद महाराज कहते कि हाँ ना गई सुग्रीव कही अब ते ही भय रहा लुकाए। तो आज हनुमान जी कहाँ पर लुका गए हवे, लंका जलाए के समाचार भी भगवान श्री राम ने मिल गया। भगवान श्री राम स्वयं हनुमान ने पूछते कहू कपी रावन पाली तलंका अब के ही विधि दही दुर्ग यति बंका। हे हनुमान जी देव रावण के ऐसे दुर्ग ल जो सुने सुन के लंका है बोलते कृष्ण से होकर दहन करे। तो एकर उत्तर में हनुमान जी महाराज अपन सब अभिमान त्याग करके बड़ा सुंदर जवाब देते कि नागी सिंधु फाटक पुर जारा निश्चर गन बधि विपिन उजारा। तो प्रभु ये में मोर कोई बड़ाई नहीं है, तो सो सब प्रताप रघुराई नातन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु ये लंका दहन में मोर कोई प्रताप नहीं, में तो केवल आपके प्रताप है। तो आज विचार करन का सही में हनुमान लंका जला करके चले गए, तो ये बात ना सुनकर के कौन सत्यमान है, है ना। ऐसे अंगद जो है राजा राम जवाब देते और बोले हनुमान कैसे है, तो बोले अल्प कल बिल्कुल छोटे से। ये बात ला सुन करके कोनो ये बात ला सत्य नहीं मान सके, लेकिन हाँ ये राजा रावण जब अपन अपन मुख से जब आप कहा तो बिल्कुल ये बात मन मानना पड़ी। और कोई अब संदेह नहीं है कि सही में हनुमान है लंका जलाया। और रावण भी कहते ना कि आवा प्रथम नगर जही जारा, पहले बार मोर लंका में ऐसा आकर मोर लंका जला के चले गए। और जैसे ही निकलते ही सुनत वचन कह बाली कुमारा, ये से जवाब सुनते ही बाली पुत्र अंगद जो है रावण जवाब देते। तो रावण की लंका जलाए के बाद अंगद जो है स्वीकार तो जरूर करते, लेकिन सचमुच में का हनुमान जी लंका जला दी ये बात तो मैं सुने रहे हूं, लेकिन आज निश्चित रूप से ये मुला मालूम हो गए। काबर की अगर लंका ला हनुमान जलाए नहीं होती ना, तो तेरा अपन मुख से बात नहीं पूछ जाती। तो जरूर इन्हें कोई शंका नहीं है, तो लंका हनुमान जरूर जला है, लेकिन भगवान श्री राम तो ऐसे आगे दे नहीं जिसे हनुमान जिला कि हनुमान जाकर के लंका जला देना। तो लगते यही कारण से हनुमान अभी तक के भगवान की डर के मारे हमारे दल में शामिल नहीं हुए, अभी तरफ कोनो तरफ लुका गया। और ऐसे भयभीत होकर के न तो भगवान के सामने गए, न तो सुग्रीव के सामने गए, और ना मालूम कहाँ छिप गया। तो आज ये भाव के अनुसार हम समझन सज्जनों, तो अंगद के जो लंका जलाए की बात जाने के बाद में विरोध जरूर नहीं करे, लेकिन रावण के मुख से बात न सुनने के बाद में जरूर विश्वास प्रकट करते। अब विचार करने के बाद यह है कि लंका से लौटे के बाद भगवान के पास ना जाना, सुग्रीव के पास ना जाना, है ना, तो हनुमान है कहाँ। तो हम सुंदर कांड के वो प्रसंग ला याद कर, जब हनुमान जी लंका दहन करके जब वापस लौटते जामंत आदि सुग्रीव सब के सब है प्रभु राम जी के पास जब जाते हैं, तो ये बात ला स्वयं हनुमान जी कुछ भी अपन मुख से नहीं कहे, और बल्कि सबके मुखिया यदि कुंकर्मन के उदल के मुखिया तो अंगद जी महाराज बनाए गए, लेकिन सबसे सियाना जो जामंत महाराज वो जामंत जी हनुमान की ये सब कार्यला सुग्रीव जी ला और प्रभु श्री राम जी के सामने में बहुत ही सुंदर तरीका से सुनाते कि नाथ काज किन्हे हनुमाना
राखे सकल कपिल के प्राण। प्रभु अगर हनुमान जी आज नहीं होते तो हम सबके प्राण यहाँ पर नहीं बच पाते। पर सुग्रीव जी महाराज की ऐसी आज्ञा है, एक महीना के अंदर अगर सीता की पता लगा के नहीं है हो तो मैं यही तलवार से सबके सर्वधार अलग करूं। तो आज हनुमान जी माता सीता की पता लगा करके आज हम सबके प्राण रखे हैं। और बोले भगवान जेकर ऊपर आप कृपा कर दो, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जेकर ऊपर भगवान की कृपा हो जाए सज्जनों तो जरूर वो सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन वो हनुमान के जो कार्य है बोला एक मुख से कहा कहो भगवान, ससहु मुखन जाई सो बरनी। 1000 मुख से भी हनुमान के अद्भुत करने के हम वर्णन करना चाहना तो बोला हम नहीं कर सकन। तो ऐसे ढंग से जाम जी महाराज जो है भगवान श्री राम के सामने और कपीवर की राजा जो सुग्रीव है के सामने सजनो हनुमान लंका दहन करे कोई आज्ञा तो नहीं है, लेकिन लंका दहन हनुमान से हो गया। तो सज्जनों विचार करन, भगवान के तो ऐसे कोनो आज्ञा नहीं है, लेकिन जैसे लंका में हनुमान जी महाराज सीता के पता लगाकर भर जाते हैं और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे रहते हनुमान जी महाराज, वही समय जो त्रिष्टा माता है वो एक सुंदर सपना सुनाती है। सपना का है, सपने बानर लंका जारी अब होई है सत्य गए दीन चारी। बड़ा सुंदर बात की, देखो तुम सब सीता माता जो दरभात हो ना तो अब डरामा आज रात में एक सपना देखो, और सपना देखे हो तो बिल्कुल 2-4 दिन में बहुत सत्य हो जाएगी। तो दिनचर्या की कोई संत मंत्र अलग अर्थ बता, दिनचर्या में दिन में चरण करने वाला, अर्थात दिन में चरण करने वाला कौन? हनुमान जी। वहां करके लंका के दहन करे ये बात बिल्कुल सत्य हुई। तो हनुमान जी महाराज जब ये बात न सुनी तो सोचते कि मैं तो यहाँ से कोई प्लानिंग करके नहीं आना, भगवान हमारे से कोई आज्ञा देने की, वहां तो भगवान की इच्छा आज्ञा है कि माता सीता आप जो है सब प्रकार से समझाना और समझा करके अगर सुधे लेके पता लगे आप वापस आना। तो हनुमान जी महाराज सोचते जरूर जिनमें भगवान की कृपा है जो त्रिष्टा के मुख से निकला थे, वो समय सोचते हैं लेकिन ऐसे तो मोर कोई प्लानिंग नहीं है लंका जलाए की। तो भगवान श्री राम जी की आज्ञा है सज्जनों सीता जी की कुछ समाचार प्राप्त करके और उनका सूचना जो है आप यहाँ तक के ले आना, ऐसे भगवान की आज्ञा है। लेकिन आज हनुमान जी महाराज देखो जब लंका से लौट जाते तो लंका धन के समाचार कि कहू कपी रावण पाली तलंगा और कही विधि दहे दुर्गयती बंका। तो ये चौपाई के माध्यम से हम सज्जनों ये जानकारी हम लोग होते कि हनुमान जी महाराज जो है लंका दहन करके जाते। तो ये बात में हनुमान जी महाराज एक प्रसन्नता ये हुई कि भगवान आज प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी जब ये जान गए सज्जनों की प्रभु राम जो है बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्न होकर के ये बात जब पूछा था वे, अब हनुमान जी के मन में कोई खटका नहीं रहेगी। धन के जो कार्य करे तो भगवान आज प्रसन्न है और बिना भगवान के आगे काम तो जरूर हो है। लेकिन आज कहीं ना कहीं भले ही अंतर मन से हनुमान जी महाराज सोचते जो ये कार्य हो गया है तो जरूर ये भी भगवान की कृपा है। काबर के रावण के मुख से लंका दाह के समाचार सुन करके अपन विश्वास ले भगवान के प्रति पुष्ट करते हैं। और ये समय हनुमान जी वापस जब लौटते तो वो समय बिल्कुल सिर झुका करके पीछे 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 तक जाते हैं सज्जनों और कुछ भी बोलत नहीं है। सुग्रीव जी महाराज, विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, जामत महाराज जब
आगे आगे चलते हैं और हनुमान के सुंदर कार्य के वर्णन भगवान की प्रति करते। तो सज्जनों हनुमान के यहाँ पर हमें एक गुण समझे पर मिलते कि नमन्ति गुणिनो जनाः, संस्कृत में एक सूक्ति है कि गुणवान व्यक्ति जो है नम्र होते हैं। और हनुमान जी में ये गुण झलकते कि आज भगवान के वो कार्य करे के बाद में भी है ना अहंकार के मारे नहीं, ऐसे आज हम सब होते ना तो ऐसे सीना फुला के भगवान में ये सब कार्य करे ऐसे बोलते। लेकिन हनुमान एक शब्द अपन मुख से बोलत नहीं कि प्रभु मैं ये सब कार्य करके आया, ये तो आपकी कृपा है। तो ये नम्रता हनुमान जी महाराज में ये गुण है। तो आज अंगद जी महाराज वहां पर बोले सज्जनों कि अंगद कोई झूठ नहीं बोला थे रावण के सामने में। और हम विचार करके देखें भगवान की आज्ञा पाए कि बिना जब लंका हनुमान जला दी। और वो समय वास्तव में भगवान श्री राम अपन हाथ की अंगूठी हनुमान ल दे करके केवल कही आदेश देते कि बहु प्रकार समुझाए हूँ अब कही बल बिरह बेगी तुम आए हूँ। ये हनुमान ते जा करके बढ़िया अच्छा तरीका से सीता जी रा समझाना और मोर बल के वहां पर मखान करना और बहुत जल्दी पतरा के आ जाना। तो आज हनुमान होकर से आगे बढ़ करके जो कार्य कर दी सज्जनों तो ये साधारण नहीं। और लंका जली तो इसने तैसे नहीं जलाई है ना, वो स्वामी जी महाराज लेते उलट पलटी लंका सब जारी, एक बार नहीं खोज खोज के है ना देख देख के सब तरफ घुमा घुमा के हनुमान जी महाराज लंका दहन करते। तो एक विचार करे के बाद सज्जनों हनुमान हर दहन कैसे देखी, तो यहाँ पर ये है कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में जब सबके सब राक्षस मन जब कपड़ा लपेटते है ना, अब लपेटे के बाद में कहते चलो भैया ये कर पता नहीं ही कर आखिरी समय है तो ये पूरा लंका ला दिखा दे जाए घुमा दे जाए। तो सब ऊना कुनल घुमा घुमा के दिखाई दे तो हनुमान जी महाराज कहते चलो भाई कम से कम लंका के दर्शन तो मुरा हो गए। तो वही समय जब लंका के जब आग लगाते तो वो समय जी महाराज कहते हनुमान उलट पुलट लंका सब जाए। तो लंका जला दे रहा हनुमान के द्वारा, ये हम कहाँ तक की सही माना सज्जनों। तो गीतावली में एक बार गोस्वामी जी महाराज लिखते कि देवी बिनु कर तुती कही वो जानी है लगो लोई अब कहोंगो मुखी समरसरी काल कारिख सोई करत कछु न बनत हरी हर शोक समोई अब कहत मन तुलसी सलंका करऊं सगन घमोई। तो ये गीतावली के अनुसार से अशोक वृक्ष के नीचे में तरुपल्ला में माता जानकी जी जो है बैठे हैं और रावण की आसानी बात वहां पर सुनते। अध्यात्म रामायण ने बड़ा सुंदर एक बात लिखी है सज्जनों यही समय में, जे समय रावण अपन सेना लेके वहां पर पत्नी मन लेकर के सीता ला डराए बारा थे तो वो समय हनुमान जी बोला इसे लगी कि मैं यही उतर के नहीं कर काट मार काट दूंगा, लेकिन नहीं प्रभु की कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज अपन मन लथान के वहां पर बैठ गए सज्जनों और वहां पर देखते कि दुष्ट रावण के अतिक कटु वाणी कठोर व्यवहार हनुमान जी के अंग अंग क्रोध के मारे भड़क गए। लेकिन ये सही अवसर नहीं है ये सोच करके हनुमान जी अपन मन ला शांत करी अपन कुल घर दबा ली। और जब पीछे रावण जब चले गए तो फिर नीचे उतर करके माता जानकी से मिलते और प्रणाम करके कहते कि हे माँ बिना कोई अच्छा कार्य करे मैं अब आप लोग का बताऊं है ना, मैं तो आपके सामने कुछ कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कल आप देखना समर सरिता में ये मुंगे काली माँ धोखा दे रहूं और आज तुम लोग कुछ गलत नहीं बना रहे काबर की रावण आते कहा बात बोले हमें कि इतना मेरा गुस्सा थी क्या बताऊं। लेकिन बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि कल लंका वाला जला के मैं राग के ढेरी कर दूंगा। ये हनुमान जी महाराज वहां पर माता जानकी बोलते गीतावली के अनुसार से। तो हनुमान जी की वही क्रोध आज सीता माता सज्जनों जब सुनते तो देखो
राम और सीता कोई अलग नहीं है, गिरा अर्थ जल भी समत कही थे भिन्न न भिन्न, भगवान राम और सीता दोनों एक शक्ति है। तो सीता की सेवा निष्ठा के द्वारा आज हनुमान जी महाराज कर था भी, और रावण की बुद्धि में और फिर विष्णु प्रेरणा भी होगी, अरे कहे चलो ये बंदर के पूंछ में आग लगा दो, और आग लगा दो पूंछ में, जब आग लगी तो इसने जल करके राख हो जाए। तो वो समय सीता माता जो है हनुमान जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। और सज्जनों मारुति नंदन जो है बड़ा सुंदर मारुति हनुमान जो है आज माता जी की सेवा करते, और लंका जिस समय लंका दहन होते वो समय हनुमान जी महाराज सोचते कि वाह माँ जगदम्बा आपके आशीर्वाद देखो, बोले वचन सुनत कभी मन मुस्काना भई सहाय शारद मैं जाना, जब रावण ही कहते कि इसके पूंछ में आग लगा दो, तो वो समय हनुमान जी महाराज सोचते कि जी तरफ लंकनी बोले इसके कोई वानर के द्वारा लंके के दहन हुई लंका लज रही, ये बात भी सत्य हो गए, और दूसरा रावण के मुख से ये बात निकला थे, तो जरूर ये महाराज शारदा में कृपा है भाई सहाय शारद में जाना। तो आज हम विचार करके देखा सज्जनों हनुमान जी महाराज जब ऐसे कार्य करते, लेकिन वो सब कार्य कुछ भी नहीं करे, लेकिन ये बहुत बड़े भगवान की सेवा कार्य। और आज अंगर राम के द्वारा दूध बन के जाके रावण जब समझाते, और रावण कहते कि आज एक वानर आकर के मोर लंका दहन कर दी, लंका जला दी, तो रावण नगर अल्प कपि दहाए, एक छोटे से वानर रावण की लंका ला जला दी है ना, ये बात तो मतलब केवल यहाँ पर खबर ले पर भेजे दी सर। तो हनुमान जी के ये सुंदर बात लघुतला प्रदर्शित करते कि हनुमान कितने है ना छोटे बन के बड़े से बड़े कार्य करते, और राम कहाँ तक यही समझान समझ सकन कि एक जगह और हनुमान जी के जो वर्णन विशेषता है कि सो सुग्रीव केर लघु धावन, ये तो बिल्कुल सुग्रीव महाराज के छोटे से दूत हरे सेना के सबसे छोटे आदमी हरे। तो ये प्रकार से हम देखन तो हनुमान जी गुणगान भी करते, और अंगद महाराज वहां पे झूठ नहीं बोला थे, और जिस समय बलवर्ण की जब बात आती है उस समय लंका जाना है समुद्र लंघन करना है, तो उस समय सब बांधरी सेना अपन अपन बल के ताकत के जब वर्णन करते, तो उस समय अंगद महाराज कहते कि अंगद कहानी जाऊं मैं पारा अब जी संशय कछु फिरती बारा। इस तरफ हम देखें तो हनुमान जी के सामने में ये अंगद है अपन बल ताकत असमर्थता वहां पर बता था वे, और एक तरफ हम देखें कि सब बानरी सेना के मन में एक विचार आ गई, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, हमार मरना दोनों तरफ से है, सीता माता नहीं मिली तो यहीं पर हम सबके जल समाधि हो जाएगी और वापस जब हो महाराज हमारे। तो ऐसे शंका के बीच में आज हनुमान जी महाराज जो है अद्भुत कार्य करके जब जाते सज्जनों, वो हनुमान जी महाराज के बारे में है ना अंगद का झूठ बोल सकते कभी नहीं। तो हनुमान जी महाराज कौन है, हनुमान जी महाराज है अतुलित बल के राम, अब वैसे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी में अग्रगण्य है, सेवा धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और सेवा धर्म की पराकाष्ठा है, ये सबके प्रमाण हमला हनुमान जी की सेवा द्वारा देखी भर मिलते समझी भर मिलते सज्जनों। तो छोटे से छोटे कार्य मनुष्य महान बनाते, और वही ये प्रसंग से हमला समझे भर मिलते। आज अंगद जी महाराज भगवान के जिस समय विदाई होते भगवान के राज सिंहासन होने के बाद में, तो वो समय अंगद भी अपना आप लग गई, प्रभु आपसे एक ही विनती है नीची टहल रे की सब करी हम, प्रभु मैं यहाँ अपन घर जाना नहीं चाह, मैं आपके सेवा करे बतैया, आप जो मुला बोल दो उस सब सेवा में करे बतैया हूँ। तो आज देखो जैसे लघुता में छोटे बने में है ना भगवान के चरण की उला सेवा मिल गई हनुमान जी महाराज रहा, और हनुमान जी महाराज के गुणगान जो लंकापति रावण के दूत दिशुक शारण जब भगवान के दल के पता लगाए बार जाते, तो वो समय भी जब लौट करके आते ना तो रावण वही के बात करते कि जेहीपुर दहेऊ
हत्यु सुत तोरा सकल कपिन महा तेहु बल थोरा। तो उस जोगी साहब राम के दल में और अपन आखिर जब देखी रावण राम के दल के जत का बानवी सेना है तो वो भी किस की देखो जो लंका जला के गिरी ना वो बाना रहा बिल्कुल सबसे छोटे सकल कपिन महते ही बल थोरा सबसे कम बल वाले हैं हनुमान जी महाराज। तो एकर से सजनों हनुमान जी की महिमा में कोई कमी नहीं आवे और न ही अगर कोई अपमान है जिसमें ताली बजा बजा करके सब राक्षस मन लंका दहन के पूर्व जब नाचते तो समय भी हनुमान एक ही बात कहते मुला कोई लाज नहीं काबर के मैं तो भगवान की कार्य करे बरा पर स्वामी काम करे बरा। तो इसी ढंग से जो सेवक है निष्ठा है आज वो बड़भागी हो गए और उकर आज देखो हम महिमा गुणगान है ना मानस के माध्यम से देखन तो सेवा भाव के द्वारा ही समाज में हम सबके नाम है। और विनय पत्रिका में एक पद के अनुसार भगवान भोलेनाथ श्री हनुमान जी महाराज भैया लखनलाल और भैया भरत ये चार जन लही सेवा भाव की शिखर मन उच्च श्रेणी में विचारो भक्त माने गए हमें। और यही भाव से आज अंगद जी की जो है हनुमान की यथार्थ स्वरूप के रावण के पास गुणगान करते जैसन की अपन शाम संग में है हनुमान जी के हर कार्य अंगद जी महाराज जानते तो अंगद जी वहां पर झूठ नहीं बोल सके। तो राम इस सेना में है ना जो महाबल है और महाबल की हनुमान जी महाराज है तो कर सामने में सज्जनों अंगद की बल भी कम है लेकिन आज राम की गुणगान करते हनुमान की गुणगान करते। तो इनमें एक बात और है भगवान के आदेश रीस अंगद जिला की है अंगद तेजा और रावण से इसे बात करवे कि कार्य हमार तासु हित होए काम हमार बने और उकरो हित हो जाए उकरो कल्याण हो जाए। तो सज्जन ऐसे भावना होना चाहिए सेवा भावना। और हम देखन आज हमन हमार व्यवहार में देखन व्यवहार जगत में तो हमार काम बन जाए भले दूसरा काम बिगड़ जाए ये भावना रहता। तो देखो कतका सुंदर बात भगवान श्री राम जी भले रावण हमार रावण भगवान के लिए शत्रु है फिर भी आज वो कर कल्याण की बात कर भगवान सोचते तो ऐसे भगवान राम से दयालु कृपालु देवता दुनिया में और कौन है। दुश्मन से वैसे ही बात करना जिकर से हमार काज बन जाए अब ओकरो कोई काम हमार बिगड़े तो यही आज्ञा भगवान अंगद देरी साहब। तो सज्जनों यहाँ पर कहे कि मतलब कोई हनुमान जी अंगद जी महाराज रावण के सामने में कोई झूठ नहीं बोले है बिल्कुल सत्य बात बोले कि फिर न कहे हो सुग्रीव भाई भय रहा लुकाए तो वहां कोई असत्य बात नहीं है बल्कि कहे गए सत्य प्रति साध्यम जिसने आदमी ना बोला उसने से बोल दिया तो वहां भी कोई दोष नहीं है। तो आज हम इला और विचार करके देखें आज अंगद महाराज रावण के सामने में है और रावण के सामने में जो बात करा थे और रावण लगे थे कि रावण प्रीति और विरोध तो समान वाले के साथ में होना चाहिए और अगर कोई मृगा ला मेढक ला कोई सिंह जो है मार दे तो कोई बड़ाई नहीं है ठीक वैसे ढंग से यहाँ पर भगवान के गुणगान भी करते अंगद जी महाराज यद्यपि लघुता राम का कोई बधे बरदोष तदपि कठिन रसगंड सुनो छत्र जाति करो। तो ही रावण क्षत्रिय के जो क्रोध बड़ा कठिन होते हैं ही दशानन आप मुरबात अभी भी समझ जाओ काबर की समझ जाओ तो वही आपके कल्याण है। अंत तक के अंगद जी महाराज रावण बहुत समझाने के प्रयास करते हैं और हित के बात तो हमेशा होना ही चाहिए हमार काम बने हमारे सामने वाला कोई हो दुश्मन हो चाहे कौन हो सबके काम ही बनना चाहिए कोई बोला नुकसान नहीं होना चाहिए ऐसे ही हमार विचार होना चाहिए। तो आज यहाँ पर अंगद जो महाराज जो है भगवान के जो संदेशा लेके जाते उनमें यही बात हम लोग समझे बार मिलते कि समाज में भी हम ऐसे कार्य करें कि हमार काम बने और समाज में कोई दूसरा रोपण भी मत होए
है ना। और हनुमान जी महाराज जो है भगवान की जो सेवा करी और ऊपर सेवला अंगद जी महाराज देखे थे, और अंगद रावण के सामने जाकर के भगवान की गुणगान करते और रामल्ला बार बार समझाए कोशिश करते। मानस पीयूष में अरण्य कांड में दो बात लिखे हैं कि 14 व्यक्ति 19 बार रामल्ला समझाया करके, तो रावण जो है ककरो बात रंगी मानी, 14 जो है व्यक्ति 19 बार रामल्ला समझाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहा था ना कि भाई जेकर 19 के 20 पूर गए है ना, मतलब कोई बचा नहीं सके, ठीक वही बात है यहाँ पर। तो 19 की 20 आज रावण के होने ही वाला है, ये कारण से वो ककरो बात समझत नहीं है। और रावण अंगद के बात सुन करके बड़ा अच्छा बात कहते अंगद, अरे अंगद तो यहाँ पर राम के दूध बन के आया है, लेकिन बड़ा अच्छा बात जो है भैरव को भी अच्छा बात लिखी कि गृह युद्ध मचा जिस के घर में अप्रतिकूल पिता जननी सर भाई, अब जिसका निष्कासन शासन से अब जिसने गृहिणी बन बीच गवाई, एक मनुष्य मिला न जिसे कपि भालू भले संग कौन भलाई, तो भैरव आज चला फिर करने रावण से व राम लड़ाई। कहीं के मतलब सज्जनो रावण बोलते अरे अंगद जिला पिताजी घर से निकाल दे, भाई ओकर अलग है, माता ओकर अलग है, सब ओकर प्रतिकूल है, और पिता जो अयोग्य जान के ओला घर से बाहर निकाल दिए, आज ओकर स्त्री के हरण करके मैं ले आया हूँ, अब आज देखो ओला कोई मनुष्य मिले नहीं है कि ओकर सब में जो बांदरी की सेना जंगल के रहने वाला जंगल की भालू बाणा इत्यादि संग मिले करके क्या वो राम जो है मुझसे लड़ाई करी है ना। ऐसे आज भैरा कवि बोलते सज्जनों, तो कहे कि मतलब यहाँ पर है रावण बहुत प्रकार से समझाया के प्रयास करते, मगर रावण जो है ककरो बात वहाँ समझे पर तैयार नहीं है, काबर के रावण का बड़ा भारी अहंकार, और अहंकार के कारण से वो कुछ भी विचार ले करके अपन अहंकार के बल में, काबर के ऊपर रावण के भगवान के प्रति जो प्रीति है वो वैर प्रीति है सज्जनों, मन में संकल्प कर ले वह प्रभु सर प्राण तजे भव तरियम, भले इस संसार से अगर मतलब मरना ही है तो भगवान के हाथ से मर जाओ, ये उनकर भावना है। तो पतराय के मतलब सज्जनों भगवान राम के शरण में जाके ही रावण की उद्धार है ना। कोई कहते राम जो है रावण ला मार दिस, मगर सज्जनों राम जो है रावण मारे नहीं बल्कि रावण रावण के उद्धार कर दिस, और रावण के ही उद्देश्य कि मोर संग में मोर जतका भी मोर कुल है उमन सब अत्याचार अनाचार करे है, तो सबके उद्धार हो जाए ये सोचकर की सीता के हरण कर दे, और भगवान राम जो है रावण की उद्धार करे के लिए लंका में लड़ाई करते, लेकिन फिर भी रावण से लड़ने के पहले एक बार और समझाए के मौका देते, समझे के मौका देते। तो ये प्रसंग से हम यही सीखे भर में थे कि हम समाज में सबकी सेवा करें, ककरो अहित ना हो, और भगवान श्री राम जैसे कृपालु भगवान श्री राम जी दयालु दुनिया में और कोई नहीं है। तो इतना ही कह के आज के प्रसंग में मैं यहीं पर वाणी से विराम करता हूँ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।